मूवी शुरू होती है। हम बेकी, उसका हस्बैंड डैन और उसकी दोस्त हंटर को साथ में देखते हैं। ये तीनों साथ में एक बड़े पहाड़ पर चढ़ रहे थे। दोनों ने पहले भी ऐसा किया हुआ था, इसीलिए सभी खुश थे। तभी डैन को आगे एक केव दिखी और वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक उसमें से एक चिड़िया निकलती है जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरने वाला ही होता है, लेकिन रस्सी की मदद से वो लटक जाता है। बेकी और हंटर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से डैन की रस्सी छूट जाती है जिससे डैन दोनों की आंखों के सामने ही नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। अब एक साल बीतने के बाद भी बेकी उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी और वो इसी वजह से बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पीने लगी थी। बेकी की ये हालत देखकर उसके डैड बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे और वो अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपने बीते हुए वक्त को भूलकर आगे बढ़ जाए, लेकिन बेकी अपने डैड की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब बेकी की जिंदगी में जीने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए वो घर पर ही खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने दोस्त हंटर का फोन आता है जो एक साल बाद बेकी से मिलने आ रही थी और हंटर को बेकी के डैड ने ही मनाने के लिए बुलाया हुआ था ताकि उसका मन हल्का हो सके। फिर यहाँ हंटर बेकी को रेगिस्तान में एक 20,000 फीट ऊंचे पुराने टावर के बारे में बताती है और वो कहती है कि हम वहां पर पहले की तरह चढ़ाई करने वाले हैं। पहले तो बेकी इसके लिए मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाती है क्योंकि वो भी बीते हुए वक्त को भूलकर आगे बढ़ना चाहती थी। इसके बाद अगली सुबह ये दोनों दोस्त टावर के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए बेकी हंटर का फोन उठाकर उसकी पुरानी फोटोज देखने लगती है, जहां उसे एक फोटो में हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ दिखाई देता है। बेकी हंटर से इसके बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसका जवाब नहीं देती। फिर बेकी के फोन पर उसके डैड का फोन आता है, लेकिन वो अपने डैड का फोन रिसीव नहीं करती। रास्ते में दोनों रात को एक होटल के कमरे में रुकते हैं। वहां पहुंचने के बाद बेकी को पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर है और वो अपने ही किए हुए क्लाइंबिंग ब्लॉग अपने चैनल पर अपलोड करती है और यही उसका कमाने का जरिया भी है। अगली सुबह उठकर दोनों दोस्त तैयार होकर अपने नए एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हंटर अपना फोन निकालकर अपना ब्लॉग शूट करती है जैसे वो हमेशा करती है, मगर हंटर का ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। डर के मारे दोनों के पसीने छूट जाते हैं। मुश्किल से अपनी सांस संभालते हुए वो अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें टावर के बाहर एक वार्निंग नोटिस का बोर्ड मिलता है। टावर का गेट भी बंद था। अब दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर हंटर को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे दो गिद्ध खा रहे थे। हंटर तुरंत उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। कुछ ही पलों में लाइक्स भी मिलने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों टावर के पास पहुंच जाते हैं और हंटर अभी भी ब्लॉग शूट कर रही है, लेकिन इतना ऊंचा टावर और सुनसान जगह देखकर बेकी बहुत डर जाती है। हंटर उसे समझाती है और उसे हिम्मत देती है। अब दोनों सेफ्टी रस्सी बांधकर टावर पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। टावर काफी पुराना था, जंग खा चुका था उसे और अंदर की चीजें भी ढली थीं। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी बेकी जिस रॉड को पकड़ती है वो अचानक से छूट जाता है और डर के मारे वो चिल्ला उठती है। हिम्मत करके वो दोबारा चढ़ने लगती है। आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब वो थोड़ा आराम करते हैं। बीच में आराम करने के बाद वो फिर से ऊपर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। 1800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर बेकी का दिल धक धक करने लगता है क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी और टावर हिल रहा था। हंटर उसे फिर से हिम्मत देती है कि वो अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। अब आगे की सीढ़ियां जो थी वो बाहर की तरफ थी और बैलेंस बनाना वहां पर बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर वो दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और टावर की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते समय वो एक बात नोटिस नहीं करते कि टावर के नट बोल्ट्स ढीले हो चुके थे। ऊपर पहुंचकर हंटर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अपनी YouTube चैनल के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा था। वो अपना ड्रोन उड़ाकर कुछ शॉट्स ले रही थी। इसके बाद हंटर अपना खतरनाक शॉट रिकॉर्ड करने के लिए टावर से नीचे लटक जाती है। फिर वो बेकी को भी उसी सेम पोज में लटक कर शॉट रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। बेकी बहुत डरी हुई थी, लेकिन किसी तरह हंटर उसे भी लटका देती है और दोनों सेल्फी लेते हैं। उसके बाद तभी बेकी अपने बैग से कुछ निकालती है और वो डैन की अस्थियां थी। वो अपने हस्बैंड की अस्थियों को वहां पर विसर्जित करती है और खुद को थोड़ा शांत महसूस करती है। सारा काम निपटा कर दोनों नीचे उतरने लगते हैं। बेकी सबसे पहली उतरी है, लेकिन तभी सीढ़ी टूट जाती है और नीचे गिरने लगती है, लेकिन सेफ्टी रस्सी की वजह से उसकी जान बच जाती है और हंटर बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींचकर बचा लेती है। लेकिन अब दोनों को पता चलता है कि नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा है, जिससे वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। मदद मांगने के लिए उनके फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। इससे बेकी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और हंटर को दोष देने लगती है। हंटर उसे समझाते हुए कहती है कि अब घबराने से कुछ नहीं होने वाला,
तभी हंटर देखती है कि बैकी के पैर में कट लगा है, तो वो अपने शर्ट उतार कर उसके पैर में बांध देती है। बैकी और हंटर अब पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुके हैं, उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तभी हंटर फिर से अपना कैमरा निकाल कर अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है। बैकी उसका इंटरव्यू लेती है। बैकी उससे पूछती है कि यूट्यूब क्यों शुरू किया तुमने। हंटर कहती है कि डैन की वजह से। ये सुनकर बैकी का दिल टूट जाता है क्योंकि डैन उसका हस्बैंड था। थोड़ी देर बाद हंटर को एक आइडिया आता है। वो अपने फोन में एक हेल्प मैसेज लिखकर उसे नीचे फेंकने का सोचती है। जैसे ही सिग्नल आएगा तो वो नोटिफिकेशन सबके पास पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो अपने फोन में हेल्प मैसेज टाइप करके अपने जूते में रखकर नीचे फेंक देती है कि शायद कोई मदद मिल सके। वही जूता उतारते समय बैकी देखती है कि हंटर के पैर पर 143 लिखा हुआ है। डैन हमेशा बैकी को आई लव यू बोलने के लिए 143 का इस्तेमाल करता था, जिस वजह से बैकी को हंटर पर शक हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें नीचे एक आदमी और उसके डॉग दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जान बच जाएगी। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाती हैं, लेकिन वो आदमी की नजर उन पर पड़ती नहीं। वही हम देखते हैं कि हंटर का फोन भी गिरकर टूट गया है। इसके बाद बैकी अपना एक जूता निकालकर फेंक देती है, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। एंड में बैकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी उन्हें दूर से एक कार नजर आती है जिसके बाहर दो आदमी खड़े थे। उन्हें लगा कि रात होते ही वो फ्लेयर गन चलाएंगे तो उसे देख लेंगे। रात होने पर वो फ्लेयर गन चलाते हैं। हंटर नोटिस करती है कि उन आदमियों ने उनको धोखा दिया है। वो उनकी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो उनकी गाड़ी के पास पहुंचे तो वो दोनों उनकी गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं, जिससे बैकी और हंटर की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि उनका बचना अब नामुमकिन है। तभी टावर में बिजली आ जाती है, लेकिन बैकी और हंटर को नींद आ रही थी। उन्हें पता था कि सोना उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब बैकी से वेट नहीं हो रहा था तो वो हंटर से उसके टैटू के बारे में पूछ लेती है, जिस पर हंटर बताती है कि उसका भी डैन के साथ अफेयर था और उसे इस बात पर बहुत पछतावा है। ये सुनकर बैकी को बहुत बुरा लगता है। अब 24 घंटे बीत चुके थे, सुबह हो जाती है, दोनों भूख से बेहाल हैं। हंटर फैसला करती है कि वो नीचे जाकर अपना बैग ले आएगी। वो रस्सी को टावर में बांधकर नीचे उतारती है, लेकिन रस्सी थोड़ी कम पड़ जाती है तो वो जम करके नीचे उतर जाती है और बैग में से पानी निकालकर पीने लगती है। फिर वो बैग को रस्सी में बांधकर खुद भी उसी रस्सी में झूल जाती है। बैकी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी छूट जाती है और हंटर नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन टावर के खंबे से बंधी एक और रस्सी उसकी जान बचा लेती है। बैकी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींचती है। हंटर का एक हाथ छिल गया था। फिर उनको पेपर और पेन देखकर एक और आइडिया आता है। वो पेपर पर हेल्प का नोट लिखकर अपने ड्रोन से पास के होटल तक पहुंचने की प्लान बनाते हैं, लेकिन ड्रोन में चार्ज नहीं है। दोनों काफी समय से सोए नहीं थे, जिस वजह से बैकी की आंख लग जाती है। उसको एक सपना दिखाई देता है। सपने में वो देखती है कि हंटर तो मर चुकी है और गिद्ध उसके लाश को खा रहे हैं। तभी उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो बस एक बुरा सपना था। अब सुबह लाइट को देखते हुए बैकी को एक आइडिया आता है। वो ड्रोन को चार्ज करने के लिए टावर पर चढ़ जाती है, लेकिन होल्डर का प्लग ढीला था, इसलिए उसे लटक कर ड्रोन को चार्ज करना पड़ता है। बैकी ड्रोन को चार्ज करने के लिए इतनी देर लटकी हुई है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वैसे ही मुसीबत कम नहीं थी। तभी गिद्ध उस पर हमला कर देते हैं। मुश्किल से ड्रोन को चार्ज करके वो नीचे आ जाती है और अपना हेल्प नोट उस पर लगाकर उसे उड़ाने लगती है। पर जैसे ही वो ड्रोन होटल तक पहुंचता, इतने में उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिससे ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है और वो ड्रोन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब शाम हो जाती है और तूफान भी आने वाला था। बैकी अब बहुत ही ज्यादा थकी हुई है और सोना चाहती है, लेकिन हंटर उसे सोने के लिए मना करती है। वो कहती है कि अगर तुम सोई तो गिद्ध तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। इसके बाद बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है, ताकि वो इस बार अपना फोन नीचे गिराकर हेल्प मांग सके। तो हंटर कहती है कि मेरा जूता तो नीचे ही है। और जब बैकी नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि हंटर पहले ही नीचे गिर चुकी है और गिद्ध उसे खा रहे हैं, क्योंकि हंटर जब लास्ट टाइम नीचे गिरी थी तो उसकी मौत उसी वक्त हो चुकी थी और बैकी अब अकेले ही बची है। और अब तक वो जिस हंटर को देख रही थी वो बस उसका हेलुसिनेशन था और वो पिछले 16 घंटों से अकेले ही है। इसके बाद बैकी अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और रात में किसी तरह से बारिश और तूफानों का सामना करती है। वो अब सुबह हो चुकी थी और बैकी अभी भी सोई है। तभी एक गिद्ध आकर बैकी के घाव को नोच रहा था। अब भूख प्यास की वजह से बैकी पागल हो रही थी, जिस वजह से वो गिद्ध को ही मारकर खाने लगती है। उसके बाद बैकी रस्सी के सहारे नीचे हंटर के लाश के पास आती है और फिर अपने फोन में मैसेज टाइप करके हंटर के जूते में डाल देती है। अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस जूते को हंटर के बॉडी के अंदर डाल देती है और अपने दोस्त से माफी मांगकर उसकी बॉडी को नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैकी के डैड को उसका मैसेज मिल गया था
और वो तुरंत पुलिस के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस को वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर बेकी के डैड की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन पुलिस वाले रेस्क्यू करके बेकी को बचा लेते हैं और अपनी बेटी को पाकर बेकी के डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और बेकी अपने डैड से दोबारा मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि एक तरीके से वो जीते जी मरी चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।